एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने वाला इंदौर इन दिनों वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। जहां वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं सीमित हुई वैक्सीनेशन की सप्लाई इंदौर में मांगों के अनुरूप पूर्ति नहीं कर पा रही है। दरअसल ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चले वैक्सीनेशन अभियान में अब फिर से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं अब शहर में हफ्ते में 2-3 दिन ही वैक्सीनेशन हो रहा है, जिससे कई बार लोगों को वैक्सीन नहीं होने के कारण निराश होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं कई लोगों को शहर में आने वाली वैक्सीन की भी जानकारी नहीं मिल रही है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए वैक्सीन को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी 21 जून को जब वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हुआ तो पहले दिन इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन हुआ। इस दिन 1000 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे, जिसमें करीब 2.25 लाख लोगों ने टीके लगाए थे, जिसके बाद अनुमान लगाया गया कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पहले डोज का 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन जुलाई माह की शुरुआत से ही वैक्सीनेशन की कमी हो रही है। अभी हमें पिछले 2 दिन से मतलब मात्र 47,000 का वैक्सीनेशन का डोज मिला था, जिसमें हमने 24,000 सोमवार को लगा दिया, और उसके बाद हमें 23,000 जो डोजेज है वो हमको अभी गुरुवार को लगाने का है। अभी चूँकि आज ही हमें एक लेटर और मिला है कि हमें लगभग 45,000 का डोजेज और मिल रहा है, तो इस तरह से हमारे डोजेज काफ़ी हद तक ये मान के चले हम कि लगभग 70,000 के आसपास डोजेज हो जाएंगे। और वो डोजेज हमें उसके बाद भी गाइडलाइन यही मिली है कि आपको जो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करेंगे उसी को वैक्सीनेशन लगाना है, तो उसमें फर्स्ट डोज भी रहेगा, सेकंड डोज भी रहेगा, और इसके बाद हमें अगला जो डोजेज है वो लगभग 50,000 का डोजेज, फिर 45 से 50,000 का डोजेज हमें फिर मिलेगा, तो वो हम शनिवार को डोजेज फिर लगा देंगे।